समस्याओं को लेकर आप जिलाधिकारी का किया है। मैं विष्णु सिंह, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ महामंत्री जनपद फर्रुखाबाद से हूँ। और मैं कई बार पूर्व समय में पूर्व नोटिस के तहत कई बार उच्च अधिकारियों को पत्राचार कर चुका हूँ, जिसका माह अप्रैल में रामा इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड का टेंडर समाप्त हुआ था, जिसके अंतर्गत वर्ष 2019 से लेकर माह अप्रैल तक 2022 तक 630 कर्मचारी कार्य कर रहे थे। मई में भारत में सर्स भारत इंटरप्राइजेज का टेंडर हुआ है, उसमें 587 कर्मचारियों का टेंडर हुआ है। और मई में जून जुलाई अगस्त तक हम लोगों से काम कराया जाता, अगस्त में 20 तारीख के बाद हम लोगों को अवगत कराया जाता है कि आप लोगों को मौखिक रूप से अवर अभियंताओं द्वारा उपकेंद्रों से संबंधित अवर अभियंताओं द्वारा सूचित किया जाता है बिना नोटिस के कि आपको निकाल दिया गया है, 587 का टेंडर हुआ है, आपको निकाला गया है ऊपर से। जब कर्मचारी ऊपर जाते हैं तो उनसे कहा जाता है आपको अवर अभियंता द्वारा निकाला गया है। इस स्थिति में कर्मचारी ये सुनिश्चित नहीं कर पाता है कि हम विभाग के हैं या ठेकेदार के अंतर्गत हैं, गोल गोल घूमते रहते हैं, अधिकारी हमारे गोल गोल घुमाते रहते हैं। और इसके तहत कई बार पत्राचार कर चुके हैं, संगठन कई बार धरना प्रदर्शन को विवश हुआ है, पुनः एक बार फिर आज दिनांक 3/10/2022 को पत्राचार किया जा रहा है। और संबंधित समस्त उच्च अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है, जैसे कि अधीक्षण अभियंता महोदय विद्युत वितरण मंडल फतेहगढ़ फर्रुखाबाद, अधिशासी अभियंता महोदय नगरीय ग्रामीण तथा पुलिस अधीक्षक महोदय फतेहगढ़ फर्रुखाबाद और जिलाधिकारी महोदय, आगे कार्रवाई क्या होगी, क्या रणनीति है आपकी ज्ञापन देने के बाद में, आप क्या आगे की रणनीति करेंगे? अगर ये दीपावली से पहले हमारी समस्याओं का निराकरण नहीं किया जाता है, जो भी हमारी समस्याएं हैं पत्राचार में सब इंगित है और सभी स्पष्ट किया है, अगर दीपावली से पहले हमारा सैलरी इत्यादि से लेकर कर्मचारी निकाले गए वापस नहीं रखे जाते हैं, तो समस्त जनपद फर्रुखाबाद के 41 बिजली घर के कर्मचारी एकत्रित होकर अधीक्षण अभियंता कार्यालय प्रांगण के समीप एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन के लिए विवश होंगे।